इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टार बुक कैसे बढ़ते हैं। टार बुक होती है ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, एंड ये टार बुक है ट्रेनी ओएस के लिए फॉर डेक डिपार्टमेंट। ओके, मैं डेक डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ट्रेनी ओएस हूँ। सो मैंने अभी जस्ट अपनी वॉच कीपिंग ऑब्टेन की है ये आफ्टर सबमिटिंग माई टार बुक। सो अभी मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप टार बुक फिल करेंगे, फिर उसे सबमिट करके अपना वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शिप पे हम मोस्टली दो ही तरीके से चढ़ पाते हैं, एक तो एजेंट के थ्रू और एक दूसरा एग्ज़ाम क्लियर करके या इंटरव्यू क्रैक करके। तो जो एजेंट के थ्रू चढ़ते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब एजेंट ही देखता है, जो अमाउंट आपने उसको पे किया हुआ था उसी में वो सब आपका टार बुक वगैरह जो है फिलअप करवा के, स्टैम्प वगैरह कंप्लीट वगैरह सब, उसमें जो सिग्नेचर वगैरह चाहिए सब करके वो सबमिट करके आपको वॉच कीपिंग जनरेट करके देगा। वो सारा काम एजेंट का होता है। बट जो ऑन देयर ओन गए हैं कंपनी में एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके, सो उनके लिए क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने आपकी फर्स्ट सेल है, सो यू विल गो एज अ ट्रेनी ऑएस ऑन बोर्ड। सो यू नीड टू कम्प्लीट वन ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। अभी वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक आपको कहाँ से मिलेगी? वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक आपको आपके मास्टर चेकर से मिलेगी। वो उसकी मैं वीडियो एक बना रखी है ऑलरेडी कि कहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे, 11 पेजेस की होती है। तो वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और उसको कलर्ड कॉपी लेना है आपको, ठीक है? कलर्ड कॉपी उसकी डाउनलोड करना। ये देखिए, ये मेरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक है, ये कलर्ड है। ओके, सो कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना उसका, और एक ब्लैक एंड वाइट भी निकलवाना। ओके, क्योंकि ऑन बोर्ड मैं बताऊंगा आगे रीजन, दो कॉपी लेके जाना उसकी। तो आपने वहां से वो निकाल ली, अब आप ऑन बोर्ड गए। सो अब इसमें क्या रहता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप टास्क रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, और फिर आपका जो ऑफिसर ऑन वॉच है और जो मास्टर है ऑन बोर्ड वो साइन करते रहते हैं उसमें, ठीक है? तो अभी आपको पता है ड्यूरिंग योर सेल, 9 मंथ सेल, मास्टर चेंज होगा और चीफ ऑफिसर भी चेंज होगा, ठीक है? और किसी किसी कंपनी में सेकंड ऑफिसर भी चेंज होंगे, इनके 6-6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, थर्ड ऑफिसर भी 6 मंथ में चेंज हो जाएंगे। सो जो ऊपर के टॉप 4 होते हैं वो चेंज हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है, कुछ लोग एक्सटेंड कर लेते हैं या फिर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं या थोड़ा जल्दी ज्वाइन करते हैं, उनसे पहले ज्वाइन करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आपको जैसे तैसे करके अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक कंप्लीट करनी है। ओके, सो ये है ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, इसका ये पहला पेज है मेरा। इस पहले पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? इसमें सिर्फ आपकी डिटेल्स होंगी, और जो ये बाकी का ये पेन वगैरह से लिखा है, ये स्टैम्प है, यहाँ पे डेट वगैरह डली, ये सब जो आपकी कंपनी का ऑफिस है, जो आपकी कंपनी का ऑफिस है वो फिलअप करेंगे, ठीक है? तो पहले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेक श्योर करना जब आप मास्टर चेकर से अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक डाउनलोड करें तो उसमें सारी नेसेसरी चीज़ें हों, जैसे आपका इंडोर्स नंबर मेंशन हो ऊपर यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका जो MTI का नंबर है, एक्चुअली मैंने एक टार बुक निकाली थी पहले तो उसमें MTI का नंबर मेंशन नहीं था, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा से जब निकाली थी तो उसमें MTI का नंबर आ गया था। तो मेक श्योर आपकी कोई भी फील्ड यहाँ पे एम्प्टी ना हो जब आप प्रिंट आउट निकालें, ठीक है? इंडोर्स नंबर भी है, ये MTI नंबर भी है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, CDC नंबर, सिग्नेचर ऑफ रेटिंग सब होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो टार बुक निकालने के बाद आप ये सब चीज़ें चेक करना, फिर इसके पहले पेज में आपको कुछ नहीं करना है। हियर कम्स द नेक्स्ट पेज, इसको थोड़ा थॉरली पढ़ना, ठीक है? ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक को, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि आपको किस किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या क्या सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है? तो अभी ये जो इसका सेकंड पेज है, पेज 2 out of 11, इसमें क्या है, ये एक सेक्शन है, बीच वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसमें लिखा है रिकॉर्ड फॉर स्टेयरिंग और ब्रिज वॉच कीपिंग और पोर्ट वॉच कीपिंग डन, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड सेपरेटली। ओके,
तो एक आप अपने साथ रफ नोटबुक लेके जाना, नहीं तो ऑन बोर्ड जो स्टेशनरी रहती है वहाँ से आप ले सकते हैं किसी ऑफिसर से बोल के, यही कि मेरे को सर रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि पोर्ट पे आपने कब से कब वॉच करी है, किस दिन करी है, पहले वो ऊपर दिन डालना, फिर वो जगह का नाम भी डालना कहाँ पे कौन से पोर्ट में करी है, और अपनी टाइमिंग डालना, या फिर एंकर वॉच कहाँ पे करी है, या फिर आपने स्टेयरिंग कितने टाइम करी है, ये सब आपको एक रफ नोटबुक में रिकॉर्ड मेंटेन करते रहना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप किसी भी वॉच का लिख सकते हैं, रिकॉर्ड फॉर स्टेयरिंग और ब्रिज वॉच कीपिंग और पोर्ट वॉच कीपिंग डन, ठीक है। ये रिकॉर्ड आप अलग से मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है, पहले यहाँ पे आपका शिप का नेम आएगा ऊपर, ठीक है, जिस शिप में आप सेल कर रहे हैं उसका नाम आएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं डेट, पहले में आप डेट डालेंगे, ये कौन सी डेट डालेंगे मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड ऑप्शन है एरिया नेम ऑफ सी स्लैश पोर्ट स्लैश एंकरेज, ठीक है। तो ये वॉच के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कौन सी वॉच लिखेंगे यहाँ पे, तो इट कैन बी पोर्ट वॉच और एंकरेज वॉच, तो मैंने एंकरेज वॉच के ऊपर टिक मारा है। और उसके बाद कौन से एरिया में आपका शिप एंकर्ड था उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मेरा जैसे डेलियन में था तो मैंने डेलियन OPL करके लिखा है, और फिर किस डेट को वो एंकरेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किस दिन आपने एंकर डाला था उसकी डेट यहाँ पर डालेंगे। फिर अपना टाइमिंग शेड्यूल डालेंगे, अपनी वॉच की टाइमिंग डालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने दो टाइमिंग डाली है, 24 घंटे की टाइमिंग डालनी है इसमें, जो जैसे मैंने 4 to 8 करता था, और फिर 4 to सॉरी और इवनिंग में 1600 to 2000 ऐसा करके दो वॉच करता था। ड्यूरेशन सेकेंड यहाँ पे आएगी आवर्स में, 4 4 घंटे की वॉच रहती थी, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। फिर वेदर कंडीशन आप कुछ भी लिख देना अपनी तरफ से, ओके, क्लाउडी और क्लियर और एनीथिंग। फिर यहाँ पे रिमार्क्स ओपन स्लैश कोस्टल ऑफ अराइवल डिपार्चर पोर्ट, तो कोस्टल था और आपको सिचुएशन लिखनी है वहाँ पे कि क्या सिचुएशन थी। अभी जैसे मैंने लिखा है कोस्टल डैश अराइविंग टू कॉस्को डेलियन शिपयार्ड फॉर ड्राई डॉक, तो हमारा एंकरेज बाहर था, हम डेलियन कॉस्को जा रहे थे डॉकयार्ड के लिए, तो मैंने वो रीज़न लिखा है, ठीक है, एंकरेज का। फिर यहाँ पे सिग्नेचर एंड रैंक ऑफ STO स्लैश ऑफिसर ऑन वॉच, यहाँ पे आपको ऑफिसर ऑन वॉच का सिग्नेचर चाहिए, ये सिग्नेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक सिग्नेचर चाहिए, ये सिग्नेचर किसी का भी हो सकता है ऑफिसर कैटेगरी में, इट कैन बी चीफ ऑफिसर सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर, ओके। फिर यहाँ पे डेट आएगी, ये वो डेट होगी जिस दिन चीफ आपके जो ऑफिसर हैं वो साइन कर रहे हैं, ओके। फिर इस सेक्शन में कोई स्टैम्प नहीं है, किसी भी स्टैम्प की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सेकंड पेज है। फिर ये जो नीचे है ये थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस है। अब इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है शिप, आपके शिप का नाम आएगा, फिर आपके IMO नंबर आएगा शिप का, ठीक है, फिर GRT लिखना है, फिर आप साइन ऑन डेट डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन ऑन डेट आप डाल सकते हैं, साइन ऑफ डेट आप तभी डालेंगे उसी दिन डालेंगे जब आपका साइन ऑफ होगा, ओके। देन ये टोटल सी सर्विस मंथ और डेज में, जैसा मेरा 9 मंथ और 1 दिन का था तो मैंने यहाँ पे वो डाला है, लेकिन ये चीज़ें आप अपने एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब लास्ट दिन जब आपको पता है कि जिस दिन मेरा एक कंफर्म हो जाएगा आपको कि इस दिन मेरा साइन ऑफ है उस दिन आप ये डिटेल्स भर सकते हैं। बाकी ये शिप का नाम IMO नंबर GRT वगैरह और साइन ऑन डेट ये आप डाल सकते हैं। फिर ये क्या बोलते हैं कैप्ट ब्रिज वॉचेस, ओके, ब्रिज पे आपने कितने घंटे वॉच किए ये सब भी लास्ट में जो आप सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ना वहाँ से आपको कैलकुलेट करना आपने कितने आवर्स टोटल पूरे कॉन्ट्रैक्ट में वॉच करी है वो फिर यहाँ पे फिलअप करना है। सेम गोज फॉर ब्रिज वॉचेस, ओके, यहाँ पे 2 बार रिपीट करा हुआ है कैप्ट ब्रिज वॉचेस टोटल आवर्स। फिर यहाँ पे कैप्ट पोर्ट वॉचेस, ओके, पोर्ट की वॉच, यहाँ पे पोर्ट वॉच के भी लिखने आवर्स आपको। और ये लास्ट में है मास्टर सिग्नेचर, यहाँ पे आपको कैप्टन के साइन चाहिए, ठीक है, और शिप स्टैम्प चाहिए, शिप स्टैम्प चाहिए, याद रखना यहाँ पे शिप स्टैम्प लिखा हुआ है। शिप स्टैम्प वो होता है जिसमें शिप का कॉल साइन लिखा हुआ रहता है, ऑफिस नंबर लिखा रहता है, IMO नंबर, GRT, NRT, BHP, ओके, सो ये सब लिखा रहता है और शिप का नाम लिखा हुआ रहता है। मास्टर का स्टैम्प नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शिप का स्टैम्प जिसमें उसकी सारी डिटेल्स रहती है। फिर लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड थर्ड पेज। अभी थर्ड पेज में ये ऊपर कॉलम खाली रहेंगे सारे क्योंकि
आप एक ही सेल कर रहे हैं, पहली सेल कर रहे हैं और उसमें ही 9 मंथ्स 9 मंथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो तो एक लाइन में ही कंप्लीट हो गया पिछले सेकंड पेज में, ठीक है। तो ये सब एम्प्टी रहेंगी ऊपर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है टोटल सी सर्विस इन वर्ड्स, मैंने फिलअप नहीं करा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है एक लिखा हुआ रहता है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ये ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, इट कैन बी मास्टर और ऑफिसर ऑन वॉच कौन हो गए। तो मैंने क्या किया था, ऑन बोर्ड मैंने मास्टर से साइन और स्टैम्प ले लिए थे उनके यहाँ पे, ठीक है, मास्टर के साइन और स्टैम्प ले लिए थे, बट मुझे पता नहीं था। बट जब मैं बाद में कंपनी में गया तो कंपनी में उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन है वो कंपनी पर्सन है, जो जिसने फर्स्ट पेज में साइन और स्टैम्प करने हैं कंपनी के, यहाँ पे उनका साइन होगा, यहाँ पे मास्टर के साइन की जरूरत नहीं है। सो आप भी याद रखना सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, यहाँ पे जब आप अपनी सिग्नेचर कंपनी का साइन और स्टैम्प लेने जाएंगे या कुरियर करेंगे कंपनी में, जो भी होगा, तो जो वहाँ पे ऑथराइज पर्सन बैठते हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे कैप्टन वगैरह या किसी ऑफिसर ऑन वॉच के साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने जब वहाँ पे गया था तो ऑथराइज पर्सन के भी यहाँ पे मैंने साइड में साइन करवा लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये आपका आता है पेज 3 पे है हम अभी, फिर इसमें आएगा अच्छा ये रिव्यू होते हैं, रिव्यू ऑफ द ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक बाय एसटीओ एंड मास्टर, ओके। तो वो रिव्यू करते हैं, एज पर दिस ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक आपको हर महीने अपने टास्क कंप्लीट करवा के और अपने ऑफिसर ऑन वॉच को और मास्टर को ये दिखानी पड़ती है। तो वो हर महीने मतलब इसको रिव्यू करके फिर साइन करते हैं और आपकी प्रोग्रेस वगैरह लिखते हैं, आपके बारे में कमेंट करते हैं। लेकिन इतना कुछ, इतने प्रोसेस, इतने अच्छे तरीके से कुछ होता नहीं है किसी भी शिप में, इतना मुझे पता चल गया है। तो ये तो मैंने लास्ट में लिखे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट के दिन, ये सारे कमेंट्स वगैरह ये सब कुछ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे पहला पहला कॉलम है शिप का नाम लिखना है, इसमें ये थर्ड पेज है, ओके। यहाँ पहले शिप का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे कमेंट लिखना है ऑफिसर ऑन वॉच का, जो जिसका आप साइन लेंगे, ठीक है, जो सेकंड ऑफिसर होगा या चीफ ऑफिसर होगा जो भी होगा, तो यहाँ पे वो कमेंट लिखेगा या फिर आप भी कमेंट लिख सकते हैं। मैंने लिखवाया है गुड नॉलेज इन कार्गो ऑपरेशन एंड ऑन डेक, ओके, ऐसे करके। फिर यहाँ पे ऑफिसर ऑन वॉच के साइन चाहिए, ठीक है, थर्ड कॉलम में। फिर फोर्थ में डेट चाहिए, किस डेट को उन्होंने ये रिव्यू करी है, ठीक है। और फिर मास्टर का कमेंट आएगा, फिर यहाँ पे मास्टर का नाम आएगा, सिग्नेचर आएगा, फिर यहाँ पे डेट आएगी किस दिन मास्टर ने रिव्यू करा है। वैसे आपको सेम डे पे करवाना चाहिए, सेम डे पे ऑफिसर ऑन वॉच से रिव्यू और सेम डे पे मास्टर से, सो मैं जो डेट्स हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। और लास्ट में आपको चाहिए शिप स्टैम्प चाहिए, ठीक है, शिप स्टैम्प, नॉट मास्टर स्टैम्प, शिप स्टैम्प। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे कॉलम्स मैंने भरवाए हैं पेज 4 तक, ठीक है, ये सारे रिव्यू करवा के आप देख सकते हैं कितने स्टैम्प है, पूरा भरा पड़ा है, ये मास्टर के सिग्नेचर है, ये नाम है, फिर ये कमेंट्स है, ये डेट है, ऐसे ऐसे करके। फिर लास्ट में यहाँ पे ये वही है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, इस सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन में कंपनी पर्सन का साइन आएगा, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है, यहाँ पे मास्टर के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से आपके टास्क स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट से लेके आपको ये फोर्थ के हाफ पेज तक अभी तक बताया है, ये सब चीज़ें बाद में होंगी जब आप अपने टास्क कंप्लीट करने शुरू करेंगे, ओके। और आपके टास्क स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 4 से, ठीक है। तो पहले आपको टास्क कंप्लीट करने, उसके बाद ये जो रिमार्क्स वगैरह है, साइन वगैरह ऑफिसर ऑन वॉच के, आपके जो ड्यूटी आवर्स है, ये सब चीज़ें आप तब उसके बाद में फिल करेंगे, ठीक है। तो पहले अब आप टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे, अभी डिपेंड करता है आपके शिप पे कैसे ऑफिसर्स हैं। तो मेरे शिप पे तो कुछ अलग ही सीन था, मेरे तो चीफ ऑफिसर ने मना कर दिया था कि मैं साइन नहीं करूँगा तुम्हारी टार बुक पे, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू था उन्हें, बट उन्होंने मना किया था। उस टाइम मेरे दिमाग में ये थॉट था कि सिर्फ चीफ ऑफिसर के साइन चाहिए होते ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक में, मैंने इधर उधर से भी पता करा था तो सब यही कह रहे थे कि चीफ ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं और किसी के साइन नहीं होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सेकंड ऑफिसर के साइन लिए हुए हैं सारे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि चीफ ऑफिसर के साइन चाहिए, इसमें सिर्फ लिखा है ऑफिसर ऑन वॉच, ओके।
तो मैं जितने भी अपने डाउट्स होते थे, जो भी होता था, वो सब सेकंड ऑफिसर से क्लियर करवाता था, क्योंकि चीफ ऑफिसर से किसी की नहीं बनती थी, मेरी भी नहीं बनती थी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने मेरी इस पे साइन करने से मना कर दिया था। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज समहाउ एंड आई हैव मैनेज टू जनरेट माई वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। ओके, सो यहाँ पर टास्क हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। आप इसके अलग से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाने हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड हैं, ठीक है। तो पहला है टास्क टू बी परफॉर्म्ड, नेविगेशन एट द सपोर्ट लेवल। सो ये है यूज़ ऑफ मैग्नेटिक एंड जायरो कंपास। ओके, सो इसमें ये पहला पॉइंट है, डेमोन्स्ट्रेट गुड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक जायरो कंपासेस एंड इट्स रिपीटर्स, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक कंपास और जायरो कंपास के यूज़ के बारे में है। आपको ये प्रूव कर देना है कि आपको इतनी इनफ नॉलेज है अपने ऑफिसर ऑन वॉच को, तो यहाँ पे वो साइन करेंगे। ओके, और यहाँ पे डेट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्म ऑर्डर्स, ठीक है। ये हेडिंग के सामने साइन करवाने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग वाला जो कॉलम है, जैसे यहाँ पे हेल्म ऑर्डर्स लिखा है, इसके सामने ये कॉलम ब्लैंक रहेगा, ठीक है। खाली जहाँ पे ये पॉइंट वन वन पॉइंट वन लिखा है, इसके नीचे के जो दो टास्क हैं, जो बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखे हैं, जो नॉर्मल उसमें लिखे हैं, सिर्फ वहीं पे साइन और डेट डालनी है। ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे टास्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सारे टास्क सब पे साइन है और डेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये हर एक पेज में है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन। सो यहाँ पे कंपनी पर्सन का साइन होगा, जो आपके कंपनी के हैं, ठीक है, जब आप जाएंगे कंपनी में साइन वगैरह लेने के लिए या जो भी है कुरियर करेंगे। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही ऑफिसर के साइन होंगे, क्योंकि सबको पता है कि 6-6 या 4-4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, तो ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, तो इसमें साइन हो सकते हैं, रैंडम साइन हो सकते हैं। दो दो से ज़्यादा नहीं, दो या तीन, तीन तक नहीं, दो में मैनेज कर सको तो करो। तो ये काफ़ी है और टास्क आपके लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई हैव ऑल्सो लर्न्ड अलाउट सेवन। तो 8th पेज तक आपके सारे टास्क ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 4.2, 4.3 लास्ट है इसमें, 4.3 लास्ट है। तो पेज नंबर 8 तक आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पेज नंबर 9 में यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ स्टेयरिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द अबव नेम ट्रेनी हैज सर्व्ड ऑन बोर्ड। यहाँ पे आपके वेसल का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर किस डेट से आपकी साइन ऑन से लेके साइन ऑफ की डेट डालनी है, यहाँ पे स्टैटिक डे, स्टैटिक टेक्स्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे डेट आएगी साइन ऑन वाली, और स्टैटिक टेक्स्ट ये साइन ऑफ की डेट आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम आवर्स दे रखे हैं स्टेयरिंग के लिए बाय कंपस ड्यूरिंग डे, तो यहाँ पे मिनिमम 20 है, तो आपको ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा ही लिखना है, ठीक है, अगर आपने स्टेयरिंग करा है तो। नहीं करा है तो भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय कंपस ड्यूरिंग नाइट, यहाँ पे भी मिनिमम 20 है, तो आप, मैंने 26 लिखा है। फिर बाय साइट विदाउट कंपस, बिना कंपस के आपने करा, इसके लिए 5 घंटे लिखे हैं, तो मैंने 15 लिखे हैं। फिर मेक श्योर ये मिनिमम से अबव होने चाहिए, और इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइल एंटरिंग एंड लीविंग पोर्ट, सो यहाँ पे 10 आवर्स हैं और यहाँ पे 14, तो ऐसे करके आप ये टोटल आवर्स स्टेयर्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर बीच में एक है शिप स्टैम्प, अब मेरे मास्टर को दिखा नहीं है तो उन्होंने अपना ही स्टैम्प मार दिया, बट यहाँ पे शिप स्टैम्प मारना है, ठीक है। ये वाला स्टैम्प, ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्टैम्प मारना है, यहाँ पे मास्टर का स्टैम्प नहीं आएगा, तो ये शिप स्टैम्प यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे मास्टर का सिग्नेचर आएगा, मास्टर का नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मास्टर के स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये कंपनी पर्सन के यहाँ पे साइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है आपका फॉर्मेट फॉर ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। सेम इसको भी ऐसे ही फिल करना है जैसे स्टेयरिंग वाले को करा है, वही स्टैटिक डेट आपकी फ्रॉम और टू। सो ये पहली वाली जो है साइन ऑन, ये साइन ऑफ डेट, यहाँ वेसल का नाम। फिर नीचे आपके मिनिमम आवर्स, इसमें कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे लिखा था ट्रेनी मस्ट कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 240 आवर्स, ओके, ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग 2 मंथ्स। सो मिनिमम आपकी जो ब्रिज की वॉच कीपिंग है वो 240 घंटे होनी चाहिए, विच इक्वल्स टू 2 मंथ्स, तो हो जाती हो तो काफ़ी हो जाती है। और यहाँ पे आपको
अपने इंडिविजुअल वॉचेस का लिखना है, एट सी, एट एंकर, फिर ड्यूरिंग अरावल एंड डिपार्चर पोर्ट, और लास्ट में उन सबको जोड़ के टोटल लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे शिप स्टैम्प है, मास्टर का स्टैम्प है, ओ सॉरी शिप स्टैम्प है, फिर यहाँ पे मास्टर का नेम, डेट जिस दिन उन्होंने करा है, और सिग्नेचर, और यहाँ पे कंपनी पर्सन का नेम, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कंपनी पर्सन, ओके। सेम तीसरा एक और है, लास्ट पेज है 11 of 11, फॉर्मेट फॉर पोर्ट वॉच कीपिंग, इसमें भी सेम वही सब चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ खास नया नहीं है, ये देखिए सब यही है। तो ऐसे करके आपको अपनी टार बुक कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको दो कॉपी ले जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये तो फेयर कॉपी हो जाएगी आपकी, ठीक है, कलर्ड वाली, एक एक ब्लैक एंड वाइट आप इसका जीरोक्स करवा लेना, शायद 11-12 रुपए में हो जाएगी। तो वो मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि जैसे आप डेली डे टू डे वहाँ पे जो है अपने टास्क कंप्लीट करते रहेंगे, तो आप उसमें टिक करते रहेंगे कि मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है, कौन कौन से बाकी है, या फिर आपको किसी टास्क में डाउट है तो आप उसमें ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक में अलग से लिखेंगे तो वो फिर ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक थोड़ा सा रफ वर्क के लिए आप एक कॉपी लेके जाइए, और जब साइन लेने जाएंगे तो ये फेयर वाली लेके जाएंगे, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप साइन स्टैम्प, इसमें कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई टिक वगैरह वगैरह कुछ नहीं, जितना मैंने दिखाया है सिर्फ उतना ही इसमें करना है। ये सब होने के बाद जब आप ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक फिल कर लेंगे, फिर ये आपको सबमिट करनी है अपने मास्टर चेकर में टू जनरेट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। तो अभी ये वीडियो ऑलमोस्ट 21 मिनट की हो चुकी है, तो इसमें अगर मैं और बनाऊंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और इतना कोई सुनता नहीं है। सो ये वॉच कीपिंग मेरा सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये कैसे जनरेट करना है, कैसे सब क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जनरेट करने के टाइम पे, मुझे भी आई थी, तो उन सबको कैसे ओवरकम करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट टू मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।